नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे लेटेस्ट सी बुक की चैप्टर 1 प्रॉब्लम एफ सी। शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट करें उस बेल आइकन को, जिससे फ्यूचर में जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, चैप्टर 1 प्रॉब्लम एफ सी फ्रॉम बुक लेटेस्ट सी। इस प्रॉब्लम में हमको 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करवाने हैं यूज़र से, और उसके बाद हमको एक प्रोग्राम लिखना है एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए और परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पर एक एजम्पशन दिया हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स डेट कैन बी ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन ही सब्जेक्ट इज 100। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। ये हमारा नॉर्मल टेम्पलेट। सबसे पहले सेक्शन में हम लेंगे यूज़र से इनपुट, उसके बाद हम वैलिडेट करेंगे इस इनपुट को, मतलब हम चेक करेंगे कि जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है वो हमने प्रॉपर्ली सेव कर लिया है या नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे अपने प्रोग्राम का, जिसमें कि हम एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली हम उस आउटपुट को प्रिंट करेंगे। तो चलिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स। यहाँ पे हमने S1, S2, S3, S4 एंड S5 ये 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं सब्जेक्ट्स का मार्क्स स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए। और उसके बाद 2 मोर वेरिएबल एग्रीगेट मार्क्स एंड परसेंटेज, जिसमें कि हम स्टोर करेंगे उन सब्जेक्ट्स के एग्रीगेट मार्क्स और परसेंटेज। उसके बाद हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे कि सभी 5 सब्जेक्ट से सब्जेक्ट एंटर करे। उसके बाद यूज़र इनपुट डालेगा और हम उसको स्कैन एफ के द्वारा इन सभी वेरिएबल्स में सेव करवा लेंगे। अब हम अपने इनपुट को वैलिडेट करेंगे दोबारा से यहाँ पे प्रिंट करवा के। तो यहाँ लाइन नंबर 8 में हमने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क S1, S2, S3, S4 और S5 वेरिएबल में सेव करे, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं ये चेक करने के लिए कि जो मार्क्स यूज़र ने एंटर करे हैं वही मार्क्स हमने प्रॉपर्ली सेव करे हैं। उसके बाद हम अपने लॉजिक पे आएंगे। तो एग्रीगेट मार्क्स इज सिंपली द सम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड देन परसेंटेज इज इक्वल टू एग्रीगेट मार्क्स डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हैं। और फाइनली हम प्रिंट करवाएंगे इस इनपुट को एग्रीगेट मार्क्स परसेंटाइल एफ, बिकॉज इट इज़ ए फ्लोट वैल्यू, एंड देन परसेंटेज इज अगेन फ्लोट वैल्यू परसेंटेज। नाउ विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इनपुट में मैंने हर सब्जेक्ट का मार्क्स दिए थे 90-90। तो यहाँ पर पहले हमने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स प्रिंट करवाए 90-90-90। इसका मतलब है कि जो हमने इनपुट दिया वही इनपुट हमने प्रॉपर्ली सेव कर लिया है। और फाइनली लाइन नंबर 19 और 20 का आउटपुट एग्रीगेट मार्क्स दिस एंड परसेंटेज दिस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सॉल्व किया चैप्टर 1 प्रॉब्लम एफ सी। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 प्रॉब्लम एफ डी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।